गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देखते हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.5 में प्रॉब्लम नंबर 7 एनसीईआरटी बुक का है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स होल पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स। डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक देखो तो ये जो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x जो है पावर के फॉर्म में, तो ऐसे में क्या करेंगे, लॉग लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो लॉग ले लेंगे, और लॉग लेने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग अलग अलग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये y हो गया, इसको मान लिया ये y1 हो गया, और ये उसको मान लिया कि ये y2 हो गया, इसको हमने ये मान लिया ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और ये आ जाएगा डी वाई वन, और ये आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई टू, और ये हो जाएगा डी एक्स। इसको देते हैं फर्स्ट नंबर वन, ठीक है। तो ये नंबर वन हो गया, और अब लेकर के चलते हैं नाउ वाई वन क्या है, लॉग वाई वन ये लॉग एक्स टू द पावर एक्स ऐसे दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पावर एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना, एक्स पावर के फॉर्म में है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक, दोनों साइड्स हमने क्या किया, लॉग ले लिया। तो ये तो हो जाएगा लॉग ऑफ वाई वन, सेल से आ जाएगा। और जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये पावर जो है आगे आ जाएगा, ये आगे चला जाएगा, ये क्या है, ये एक्स आ जाएगा, और एक्स के बाद यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि लॉग लिया हुआ है, तो लॉग लेते हैं तो पावर आगे आ जाता है, फिर लॉग लगेगा, फिर लॉग एक्स। ना समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ देख लो, लॉग ऐसे लिया, लॉग ऑफ ये एक्स है, इसका पावर एक्स है, तो ये एक्स आगे आ जाएगा, बाकी वैसे लिख देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब आप नीचे आपको दिखेगा नहीं, वो इसके ऊपर करने जा रहे हैं। तो आप या आप यहाँ तक स्क्रीन शॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए, फिर बताते हैं। हाँ देखिए, log y1 का फंक्शन, और y1 जो है x का फंक्शन है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा 1 अपॉन y1, और इसके आगे डी वाई वन, और यहाँ डी एक्स आ जाएगा, ये हो गया। अब देखिए आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक तो ये x हो जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करें तो log ऑफ log x का फंक्शन, और log x जो है x का फंक्शन है, तो ये तो मिल जाएगा, तो 1 अपॉन log x आएगा, 1 अपॉन log ऑफ x आ जाएगा, और उसके बाद फिर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x आएगा, इसका ये मिलेगा, फिर आगे इसका बाकी का ये उतार देंगे, तो फर्स्ट और सेकेंड तो log ऑफ log x फंक्शन का फंक्शन है कि नहीं, तो ये वन का हो जाएगा। देखो ये log ऑफ log x का फंक्शन और है, तो ये इसको डिफरेंशिएट करने पर ये मिलेगा, तो ये x ये कट गया, डी वाई वन और ये डी एक्स, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाई वन को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई वन, और यहाँ सीधा सीधा आ गया वन अपॉन log ऑफ x आ जाएगा, ऐसे आएगा, और आगे ये प्लस है, और ये हो गया log ऑफ log x आ जाएगा, ये हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको ये ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे करके, क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ बना हुआ है। अब वाई वन की वैल्यू डी वाई वन, और वाई वन की वैल्यू रख लेते हैं, वाई वन को हमने क्या माना हुआ था, y1 जो था वो था log of x पूरे का पावर था x, ये था, और उसके बाद ये आगे है 1 अपॉन log of
एक्स और इसके बाद प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये इतना आया। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं और अपनी आसानी के लिए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, या ऐसे ही छोड़ दो, क्या करना है। अब इसको देते हैं सेकंड, यानी उसको वन दिया था, इसको टू दे दिया। अब अगेन अब थर्ड को लेकर भी चलते हैं, थर्ड को लेकर भी चलते हैं। थर्ड क्या है, वाई टू, वाई टू क्या दिया हुआ है, वाई टू को देखते हैं, एक्स एक्स लॉग एक्स, एक्स का पावर लॉग ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है। तो यहां पर भी लॉग लेना ले लेंगे, टेकिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर भी हमने क्या किया, लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ y2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, और ये लॉग x आगे आ गया, यहां लॉग लिया तो ये वो लॉग x आ जाएगा, और इनटू और इसके बाद लॉग ऑफ x आ गया। तो इसे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग x का होल स्क्वायर करके आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कहां तक दिख रहा है, हाँ देखिए एक लाइन और हम यहां लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया log of y2 और ये हो जाएगा log of x का होल स्क्वायर। तो ठीक है, यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, तुम बताते इसके बाद। स्टूडेंट्स यहां हमने लिखा हुआ है log log y2 और ये था log of x का होल स्क्वायर है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग Differentiating both sides with respect to x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए तो ये तो हो जाएगा वन अपॉन वाई टू और ये हो जाएगा डी वाई टू और ये हो गया डी एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टू आगे चला जाएगा, लॉग ऑफ x और लॉग x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा x। तो देखिए ये वाला जो है ये सेकेंड है, सेकेंड को काम करते हैं, सेकेंड को ही लिख ले रहे हैं, तो सेकेंड को यहाँ लिख लेते हैं, नहीं तो भी रेस कर देंगे तो फिर लॉग एक्स का पूरे का पावर क्या है, एक्स है, फिर ब्रैकेट है, वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स है, फिर प्लस लॉग ऑफ एक्स है, ये ऐसे भी होगा। तो अभी इसको हम रेस कर दे रहे हैं और आगे देखते हैं। अब यहाँ से y, ये y2 को उधर ले जाएंगे तो ये dy2 और ये हो गया dx, तो ये आ जाएगा, हाँ अब ये देखते हैं dy2 dx और ये इस y2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y2, और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, 2 अपॉन x ऑफ log ऑफ x, ऐसे लिखा जा सकता है। अब y dy2 और ये हो गया dx, और y2 y2 की वैल्यू क्या थी, y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू है x log x, तो ये हो गया x log of x, और उसके बाद इसको ऐसे लिख देंगे 2 upon x और ये हो जाएगा log of x। इसको देते हैं नंबर, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और ये हो गया नंबर थर्ड। ठीक है, अब कंपेयर कर लेंगे, अब कंपेयर कर लेंगे इसे 1 2 एंड 3 से, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करके लिख देंगे, आ जाएगा इनसे। तो फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट था डी वाई डी एक्स डी वाई वन डी एक्स प्लस डी वाई टू और डी एक्स, बस इसकी वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो ये हो गया डी वाई डी एक्स और डी वाई, इसकी वैल्यू क्या आई थी, डी वाई वन डी एक्स भी यहां लिखा हुआ है हमने, देखो लॉग ऑफ log of x पूरे का पावर है x, फिर ये ब्रैकेट है, यहाँ पर वन अपॉन log of x है प्लस log x है, ये लिखा गया है। और उसके बाद जो है, उसके बाद प्लस है, प्लस और ये उतार देंगे x log of x और ये हो जाएगा 2 अपॉन x log of x, देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है यहाँ तक तो आपको दिख रहा है। हाँ तो अब ये इतना आया,
अब इसको आप चाहो तो थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर आप इतना ही करके छोड़ दो तब भी ये सही है, सही माना जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा, डिफ्रेंशिएट आपने कर दिया। हाँ, अगर आपको आंसर लाना है, अगर जैसे मान लो आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, लॉग एक्स पावर एक्स, तो यहाँ एक मिनट, लॉग एक्स यहाँ टू नहीं है, सॉरी यहाँ एक्स होगा, ठीक है, ये एक्स है। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, अगर मान लो जैसे आंसर लाना है, अगर तो ये इसको आप वन अपॉन लॉग एक्स को ले सकते हो कॉमन, तो जब आप इसको कॉमन लोगे तब ये आपका आंसर आ जाएगा, इतना इसलिए आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा, इसको देख लीजिए, तो आइए लाइए देखते हैं, आगे इसके बाद एक सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, और नहीं तो इतना ही करके छोड़ दो, ये भी सही है। तो ये तो हो गया डी वाई डी एक्स, और इसके बाद देखिए, तो अब वन अपॉन लॉग एक्स को हमने ले लिया यहाँ कॉमन, तो ये जब कॉमन लिया तो भाई ये डिवाइड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, और ये पूरे का पावर क्या है, एक्स है माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसे आप लिखा जा सकता है यहाँ पर ऐसे करके, तो ये वन हो जाएगा, और यहाँ जब आप वन अपॉन लॉग एक्स जब कॉमन लिए हो तो ये तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब इसके बाद देखते हैं प्लस, अब देखिए यहाँ एक्स है, एक्स से देखो बेस सेम है, इसे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, इसके बाद हम नीचे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स लॉग ऑफ एक्स और माइनस वन आ जाएगा, और बाकी बचेगा क्या, बाकी जो बच गया उसको आप लिख लीजिए, सीधा सीधा ये बच जाएगा टू लॉग ऑफ एक्स, बस यही हो गया आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। हाँ, फिर दो क्या कर सकते हैं, दो को अगर आप चाहें तो दो आगे यहाँ लिख दीजिए, क्या करना है, ठीक है भाई, टू यहाँ है, आप चाहो तो ना इस टू को आगे लिख लो, कहे वहां रह देते हैं, टू को हमने यहाँ लिख लिया, और इसके बाद क्या है, लॉग ऑफ एक्स है, ठीक, ये पावर है लॉग, हाँ ये देखिए लॉग है, ये पावर है लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है, ये इसका पावर है, इसका एक्स का, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसको आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, और थैंक यू।